कालिया, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। गांव में गए, लोगों के बीच में गए और मास्क तक नहीं पहना तुमने। क्या सोच कर गए थे? जल्दी जल्दी जाना पड़ा सरदार, खबर ही कुछ ऐसी थी। ऐसी क्या खबर थी कि तुमने मास्क तक नहीं पहना? ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे सामा, सरकार ने कोरोना जैसी महामारी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जरा कालिया को बताओ तो सही। सरदार, सरकार ने बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं, हमें बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए कि मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलना चाहिए। बार बार अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए और हो सके तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना चाहिए। सुना तुमने, कितनी बड़ी गलती कर दी और तुम कह रहे हो कि ये गलती नहीं है, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सरदार, मैं इतनी बड़ी बात क्या होगी, एक मास्क ही तो नहीं पहना था, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या कहा तूने, गलती नहीं की? बहुत बड़ी गलती की है तूने। तुम्हें पता नहीं हर तरफ कोरोना महामारी के कारण कितने ही लोग मारे जा रहे हैं। सरकार, प्रशासन और पुलिस हर समय दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और तुम बिना मास्क के गांव में चले गए और कह रहे हो कि मेरी कोई गलती नहीं। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अरे सामा, कितना इनाम रखा है सरकार ने हम पर? सरकार ने आप पे इनाम 50 करोड़ का रखा है। सुना तुमने, कितना इनाम रखा है रे सरकार ने हम पर? यहां से 50 कोस दूर जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो मां कहती है, बेटा मास्क पहन, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और तूने गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा का? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो हम सरकार की बात क्यों माने? मुझे पता चला कि गांव वालों ने हमें अनाज देने से मना कर दिया। सरदार, कालिया ठीक कह रहा है, सरकार तो हमारी दुश्मन है। हम समाज के दुश्मन नहीं है और तुमने जो गलती की है वो समाज के दुश्मन वाली गलती की है। तुम लोगों के बीच बिना मास्क के और इसलिए तुम्हें और तुम्हें दोनों को सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। धनीराम, कितनी गोली है इसके अंदर? धनीराम, मैंने पूछा कितनी गोली है इसके अंदर? सरदार 6। सरदार 6 गोली? 6 सरदार। और आदमी 2। बहुत बेइंसाफी है ये। अब ठीक है, 2 गोली, आदमी 2, 4 खाने खाली। अब हम इसको थोड़ा सा घुमा देंगे। अब किस खाने में गोली है, कौन सा खाना खाली, हमें कुछ पता नहीं। तेरा क्या होगा कालिया? मुझे माफ कर दो सरदार। सरदार, 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 मैंने आपका नमक आया सरदार। तो अब गोली खा। कमाल है, ये भी बच गया। इन दोनों को Ha 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 ha!
देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। और गांव में यह ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई भी गांव वाला अगर बिना मास्क के बाहर निकला तो गब्बर सिंह उसको सजा देगा, और वही सजा देगा जो आज मैंने कालिया को दी है।